Hola

स एवरी थिंग भी कंप्लीटेड राइट सो बिफोर स्टार्ट दी प्रैक्टिकल लेट्स डिस्कस के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था सो <coughs> बेसिकली so इस चैप्टर में हमने देखा था कि आप पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स कैसे ऐड करते हो नई स्लाइड ऐड करना है तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करते हो डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करना है 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 ना जो आपने स्लाइड स्लाइड पहले से बना ली सेम एज इट इज ही आपको ऐड करना है, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो कौन से टूल्स कौन से ऑप्शन होते हैं स्लाइड लेआउट जो आप स्लाइड बनाते हो तो उसमें आप ग्राफिक्स एड करते हो पिक्चर्स एड करते हो टेबल एड करते हो एनिमेशन एड करते हो टेक्स्ट एड करते हो लिस्ट एड करते हो तो अलग अलग लेआउट्स के फॉर्मेट में आपको स्लाइड मिलती है लेआउट को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो बदल सकते हो कॉपी मूविंग एंड डिलीटिंग स्लाइड में एडिटिंग करना है कॉपी करना करना है, करना है, मूव स्लाइड को डिलीट करना, को करना है, के अंदर लिखा हुआ करना है. दोनों सीखेंगे आज प्रैक्टिकली कंट्रोलिंग में दिख रही है ना? आप उस व्यू को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो बाई यूजिंग जूम इन

सो स्टूडेंट स्टूडेंटॉप स्क्रीन और यहां से आप नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो या फिर एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन भी कर सकते हो सो वर्किंग विद स्लाइड्स को समझने के लिए यहाँ से हमारी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मैग्नेट्स पर हम क्लिक करके इस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं सो so, एज यू सी ये प्रेजेंटेशन हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था Now, अब आप यहाँ पे चाहते हो नई स्लाइड को ऐड करना कोई न्यू स्लाइड आप जस्ट इसके बाद में so, लिए लिए क्या करना है, है तो तो कर यूज भी कर सकते हो राइट यदि न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है तो एक से ज्यादा तरीके होते हैं पहला तो होम टैप के स्लाइड ग्रुप से इस न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लो या फिर कंट्रोल एम को प्रेस कर लो या फिर इस इंसर्ट टैब से भी आप नई स्लाइड को ऐड कर सकते हो तीन जगह से आप नई स्लाइड को ऐड कर सकते हो तीनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं राइट right? सो so, मैं होम टैप के स्लाइड्स ग्रुप से न्यू स्लाइड पर क्लिक करती हूँ जैसे ही क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्लाइड्स के लेआउट शो हो रहा है कि आप जो नई स्लाइड एंटर करना चाहते हो बेसिकली उसका लेआउट कैसा होगा वो टाइटल स्लाइड होगी कंटेंट स्लाइड होगी हेडर स्लाइड होगी या फिर आप टू कॉलम्स के अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड करना चाहते हो कोई टेबल ऐड करवाना चाहते हो कंपेरिजन के अकॉर्डिंग या टाइटल ऑनली या फिर ब्लैंक स्लाइड होगी या कंटेंट के साथ में आप कुछ कैप्शन ऐड करोगे कुछ पिक्चर्स ऐड करना है आपको ऑब्जेक्ट्स ऐड करना है या टाइटल के साथ कैप्शन ऐड करना है नेम कार्ड वाली स्लाइड होगी थ्री कॉलम के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड ऐड करना है या फिर कोई पिक्चर कॉलम के साथ आपको स्लाइड ऐड करना है सो दीज आर द डिफरेंट अब जिस भी लेआउट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से स्लाइड ऐड करनी है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो सपोज मुझे जो स्लाइड यहाँ से ऐड करनी वो है वो टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड है सो आई जस्ट क्लिक हिअर सो अब आप देखोगे यहाँ पर एक न्यू स्लाइड एंटर हो चुकी है दैट इज क्लिक टू एट टाइटल एंड क्लिक टू एट टेक्स जिसमें अब आपको टाइटल एड करना है और टेक्सट एड करना है सो फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने मैग्नेट ब्रेन के दो पॉइंट्स ऐड किए थे दैट इज फ्री एजुकेशन इन ऑल कोर्सेज सो यहाँ पे हम सपोज पॉइंट्स को एलबरेट करते हैं लाइक फ्री एजुकेशन हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं टाइटल और इसी से रिलेटेड फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हो सो दोनों प्लेस होल्डर्स आपके सामने हैं जहां पे अब आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ओके, okay. सो so, इस तरीके से आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो एंटरप्राइज करती हूं यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम हेयर ओके सो हमने यहां पे कुछ कंटेंट ऐड कर लिया है आप चाहो तो यहां पे इनकी पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हो इनसे रिलेटेड अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वो बेसिकली कैपिटल लेटर्स में है यदि आप इसका केस चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आपको यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है केस चेंज करने के लिए ठीक है होम टैप के फॉन्ट ग्रुप में आके आप so, आप में से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो सो आप इसे सेंटेंस केस में सेट कर सकते हो जिसकी मदद से अब जो आपने यहाँ टेक्स लिखा है वो एक सेंटेंस के फॉर्मेट में दिख रहे हैं सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड को ऐड करना है अब यदि आप चाहते हो यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करना है सपोज इस स्लाइड का आपको एक डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करना है ठीक है जिसमें आप नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो राइट सो डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं कंट्रोल डी इज दी शॉर्टकट की या फिर सेम होम टैब के स्लाइड ग्रुप से इस न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगी तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड राइट सो so, आप यहाँ से डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो राइट सपोज मैंने यहाँ से डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड को क्लिक किया तो आप देखो एक और सेम स्लाइड बिल्कुल सेकेंड के जैसे ही सेम स्लाइड यहाँ विजिबल हो रही है सेकेंड स्लाइड सेलेक्ट करती हूँ तो वही सेम स्लाइड आपको दिख रही है फ्री एजुकेशन वाली थर्ड स्लाइड पे क्लिक करती हूँ तो आपको सेम डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ विजिबल हो रही है अब चाहो तो आप इसके कंटेंट में चेंजेस कर सकते हो जो आपको चेंजेस करना है सपोज यहाँ मैंने एंटर किया ऑल कोर्सेज ओके सो आप यहाँ पे पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हो लाइक मैग्नेट ब्रिंस प्रोवाइड ऑल दी कोर्सेस फ्रॉम किंडर टू ट्वेल्थ क्लास ठीक है तो यहाँ पे सपोज हमने ये चेंजेस कर दिए सो होप डुप्लीकेट स्लाइड को कैसे ऐड करना है उसमें कैसे चेंजेस करना है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई अब यदि आप स्लाइड्स को एडिट करना चाहते हो मीन्स आप यदि स्लाइड्स की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहते हो या फिर स्लाइड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना चाहते हो डिलीट करना चाहते हो सो इसलिए बेसिकली आपको वही सेम ऑप्शंस कट कॉपी पेस्ट का ही यूज करना होगा राइट right? जैसे नॉर्मली हम अभी तक वर्ड एक्सेल में करते हैं सपोज so मैं चाहती हूँ कि इस स्लाइड की आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो ठीक है फ्री एजुकेशन वाली स्लाइड की तो so स्लाइड को आपने सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करके आपको क्या करना है कंट्रोल सी को या तो प्रेस करना है या क्लिप बोर्ड से आके कॉपी ऑप्शन को क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से राइट right क्लिक

या फिर आप क्लिपबोर्ड से भी पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो सो so, ये तो बात हुई कॉपी की अब आप किसी स्लाइड की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो यदि मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल वी प्रेस किया तो देखो अगेन इसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है सो so, कॉपीज आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो लेकिन जब आपको एक स्लाइड को किसी दूसरी प्रेजेंटेशन में मूव करवाना है सो so, आप उसके लिए यहाँ से कट ऑप्शन का यूज करते हो राइट right? सपोज so मुझे यहां से ऑल वाली जो स्लाइड अभी हमने की है इसे मुझे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना है सो so क्या करना है आपको यहाँ से स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है अगेन राइट क्लिक करके भी आप कट कर सकते हो या कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो या क्लिपबोर्ड से आके भी आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो सपोज आई क्लिक ऑन कट ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप सो जैसे ही कट ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो ऑल कोर्सेज वाली जो स्लाइड है वो यहां से कट हो चुकी है अब अब वो यहां पे आपको आपको विजिबल नहीं हो हो रही है। अब जहां आपको इसको मूव करवाना है वहां आप इसे पेस्ट पेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने कॉपी का यूज किया सपोज मैं फाइल पर आती हूँ और यहाँ से कोई न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर लेती हूँ लाइक सपोज मैंने यहाँ से वेलकम टू पावर पॉइंट स्लाइड को ओपन किया राइट सो ये फाइल हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी तो यहाँ पे पहले आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है एडमिन पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर किया है ओके okay पे क्लिक किया है अब जैसे ही ओके okay पे क्लिक किया तो आप देखो प्रेजेंटेशन हमारे सामने ओपन हो चुकी है अब हमने यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन प्रेजेंटेशन से ऑल कोर्सेस वाली स्लाइड को कट किया था और उसे अब हमें इस स्लाइड में मूव करवाना है सपोज सबसे लास्ट में मुझे उस स्लाइड को मूव करना है राइट सो so मैंने सबसे लास्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया अब मूव करवाने के लिए हम स्लाइड पे उसे पेस्ट करेंगे तो अगेन आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप इस होम टैप के क्लिपबोर्ड ग्रुप से भी पेस्ट करवा सकते हो या फिर आप कंट्रोल वी को भी प्रेस कर सकते हो सो so, सबसे लास्ट में आपको क्लिक कर लेना इस तरीके से आपको क्या दिखेगा एक लाइन शो होगी देखो देखो सबसे बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया लास्ट स्लाइड के बाद तो आपको इस तरीके की एक रेड लाइन शो हो रही है बस अब यहाँ पे आपको कंट्रोल वी प्रेस कर देना है सो so, अब वो स्लाइड बेसिकली आपको यहाँ पे पेस्ट ऊपर शो हो रही है बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई की थी वो फॉर्मेटिंग के साथ विजिबल नहीं हो रही है नॉर्मल कंटेंट आपको दिख रहा है राइट जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की थी उस फॉर्मेटिंग के साथ आपको यहाँ पे वो पेस्ट होती हुई नहीं शो हो रही है सो so अब यदि आप इसको फॉर्मेटिंग के साथ में पेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पेस्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है जो होम टैप के क्लीबोर्ड में पेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना होगा तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे पेस्ट से रिलेटेड दैट इज कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे ही मैंने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आप देखो मेरी स्लाइड यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है एग्जैक्ट उसी फॉर्मेटेड वे में जैसे हमने कट किया था राइट सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि आप फॉर्मेटेड वे में भी स्लाइड को मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर एंड विदाउट फॉर्मेटिंग भी आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर स्लाइड को मूव कर सकते हो सो बेसिकली स्लाइड को कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो हमने जान लिया अब यदि स्लाइड को आपको डिलीट करना है सपोज इस सेम प्रेजेंटेशन से मुझे ये जो अनफॉर्मेटेड वे में स्लाइड हमारी यहाँ पेस्ट हुई है इसे डिलीट करना है सो so डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ से बेसिकली स्लाइड को आप सिलेक्ट करो जिसे डिलीट करना है और सिलेक्ट करके आप डिलीट की को प्रेस कर दो जो कीबोर्ड में डिलीट की होती है उसे प्रेस कर दो सो so, देखो स्लाइड आपकी डिलीट हो चुकी है बिल्कुल वैसे नॉर्मली जैसे आप डिलीट करते हो ना वापस आते हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्रेजेंटेशन पर अब देखो यहां से ऑल कोर्सेज वाली जो प्रेजेंटेशन थी वो बेसिकली हमने यहाँ से कट कर दिया है मूव करवा दिया है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में यदि पे वापस लेकर आना है आप तो अगेन कंट्रोल बी को आप प्रेस करोगे आप पेस्ट कर लोगे तो वो स्लाइड आपके सामने वापस यहां भी पेस्ट हो जाएगी मतलब सेम प्रेजेंटेशन में भी आप स्लाइड को पेस्ट कर सकते हो जिस जगह पर आपका कर्सर होगा उस जगह पर वो स्लाइड पेस्ट हो जाएगी राइट सो so ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन में ही आप स्लाइड को मूव कर सकते हो सेम प्रेजेंटेशन में भी आप स्लाइड को मूव कर सकते हो राइट सो so इतना अच्छे से समझ में आ गया कि आप किस तरीके से डुप्लीकेट स्लाइड न्यू स्लाइड कर सकते हो स्लाइड को आप कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो राइट right? आप समझते हैं यदि आपको कंटेंट को एडिट करना है मतलब जो आपने स्लाइड में कंटेंट लिखा हुआ है यदि उसे कट कॉपी पेस्ट करना है मूव करवाना है सो दिस इज अगेन पॉसिबल जैसा कि अभी हमने स्लाइड के साथ में देखा सपोज आपको ये जो लाइन लिखी हुई है मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड 100 परसेंट फ्री एजुकेशन जो फ्री एजुकेशन वाली स्लाइड में हमने एड की है इस लाइन को आपको ऑल कोर्सेज वाली स्लाइड में भी लेकर जाना है तो आप विदाउट टाइपिंग दिस लाइन आप क्या करोगे इस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लो या क्लिपबोर्ड से जाकर आप इसे कॉपी कर लो और ऑल कोर्सेज वाली स्लाइड पे आपको आना है एंड देन आपको कर्सर प्लेस कर लेना है जिस जगह पर आपको उस लाइन को पेस्ट करना है राइट right क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल वी के साथ भी प्रेस कर सकते हो सपोज मैं यहाँ पे राइट right क्लिक करके पेस्ट करती हूँ तो देखो जैसे फॉर्मेटिंग में मैंने कॉपी किया था उसी फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी हो चुका है राइट सो फ्री एजुकेशन में भी आपको अब आप वो लाइन दिख रही है और उसी की कॉपी आपको ऑल कोर्सेज वाली स्लाइड में भी शो हो रहा है okay? so, है ओके सो कॉपी करना इजी बिल्कुल जैसे हम वर्ड एक्सेल में यूज करते हैं वैसे ही ऐसे आप सिंपल कट पेस्ट का भी यूज कर सकते हो क्लियर और यदि आप डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल आपको इस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है तो टेक्स्ट आपका यहां से डिलीट भी हो जाएगा सो so, होप आपको कट कॉपी पेस्ट जो नॉर्मल हम परफॉर्म करते हैं, अभी तक किस तरीके से स्लाइड में में अप्लाई होते हैं, वो समझ में आ गया। कंट्रोल करना, मतलब, करना चाहते हो सो बेसिकली इसके लिए आपको किस टूल का यूज करना है में, जो सबसे पे आपको दिख रहा होगा, उस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पर आपको जूम ग्रुप मिलेगा इस जूम ग्रुप में आपको जूम भी दिखेगा जिसके से भी कर सकते right? में right पर आपको ये टूल अवेलेबल right हो रहा है जूम का मेरा कर्सर इस पर पॉइंट कर रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूम लिखा हुआ है ये जूम स्लाइडर है और यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप जूम लेवल सेट कर पाओगे राइट right? सो so, यहां से भी आप जूम लेवल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो सेट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर व्यू टैब में जाकर जूम ग्रुप से भी स्क्रीन का स्लाइड का जो व्यू है उसे सेट कर सकते हो राइट सो फिट टू विंडो की विंडो के हिसाब से यदि आपको फिट करवाना है तो आप इस फिट टू विंडो पर भी क्लिक कर सकते हो सपोज आई क्लिक ऑन फिट टू विंडो सो ये डिफॉल्ट विंडो के अकॉर्डिंग ही सेट है राइट right. यदि आपको इसका जूम लेवल इंक्रीज डिक्रीज करना है तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो सो एक जूम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर होता है और इस जूम डायलॉग बॉक्स में अब आप, आप देखो यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जूम लेवल शोर है सपोज मैंने 33 परसेंट को सिलेक्ट किया ओके किया सो ये देखो थर्टी के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड शो हो रही है राइट right? सिंपल उसी तरीके से जूम डायलॉग बॉक्स पे आते हैं यदि हम 100 परसेंट सेलेक्ट करते हैं ओके okay करते हैं सो दिस इज अबाउट 100 परसेंट है ना यदि आपको जूम का लेवल सपोज 200 परसेंट रखना है तो आप 200 परसेंट इस तरीके से रख सकते हो सो विंडो के अकॉर्डिंग फिट करना है तो आप फिट टू विंडो पे क्लिक करोगे सो दिस इज अबाउट फिट टू विंडो क्लियर सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया आप जानते हैं कि स्टेटस बार में जो जूम स्लाइडर है उसके थ्रू कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हो सो so, ये सेंटर में आपको जूम स्लाइडर दिख रहा है जो अभी वन ट्वेंटी परसेंट के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड विजिबल कर रहा है सपोज आप यहाँ से जूम स्लाइडर को जूम आउट करते हैं तो इस तरीके से स्लाइड आपकी जूम आउट हो रही है है ना और यदि आप जूम इन करना चाहते हो तो आप स्लाइडर को माइनस साइन की तरफ मूव करोगे तो जूम इन होगा यदि ये प्लस साइन की तरफ मूव करोगे तो जूम आउट होगा सेंटर में यदि प्लेस कर दोगे सो तो इस तरीके से आपको स्लाइड विजिबल होगी सो so, डिफॉल्ट यहाँ पे हम फिट टू विंडो सेट कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको होल स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से स्लाइड विजिबल हो और यहाँ पे आप स्लाइड का कंटेंट ईजिली प्रिपेयर कर सको ना वॉट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स अब यदि इस स्लाइड को आपको डिफरेंट व्यूज में देखना है अभी ये जो व्यू हमारे सामने शो हो रहा है जिसमें लेफ्ट साइड में आपको थंबनेल्स के फॉर्मेट में स्लाइड दिख रही है और राइट right साइड में आपको हर एक वो स्लाइड जिसे आप सिलेक्ट करते हो उसका लार्ज व्यू शो हो रहा है क्लियर सो यदि आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज में इन स्लाइड्स को ओपन करवाना है जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में भी कि नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू स्लाइड शॉर्ट व्यू नोट्स पेज व्यू रीडिंग व्यू इतने व्यूज बेसिकली आपको मिलते हैं पावर पॉइंट में सो so, वही सारे व्यूज आपको कहाँ से मिलेंगे व्यू टैब में सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको सारे व्यूज यहाँ दिखने हैं ठीक है जिस भी किसी व्यू पे मेरा कर्सर जाता है तो देखो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जानी है डिफॉल्ट कौन सा व्यू आपको दिख रहा है नॉर्मल व्यू दिख नॉर्मल व्यू के थ्रू आप वन वन बाय स्लाइड स्लाइड को एडिट कर सकते जिसमें आपको एक थमनेल के फॉर्मेट में भी दिखती है लेफ्ट साइड में और आपको प्रॉपर तरीके से डिजाइन व्यू के फॉर्मेट में भी दिखती है जहां आप डिजाइन कर सकते हो क्लियर उसी के साथ यदि आउटलाइन व्यू पे हम क्लिक करते हैं सो देखो आउटलाइन व्यू के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको स्लाइड्स प्रेजेंट होती है मीन्स यहाँ पे आप देखो आपको थमनल के फॉर्मेट में स्लाइड नहीं दिख रही है एक रिटर्न टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्लाइड्स दिख रही है ठीक है आप जिस भी किसी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ठीक है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्लाइड्स विजिबल होंगे साथ ही आप यहाँ पे स्लाइड के वर्क स्पेस व्यू के नीचे नोट्स भी एड कर सकते हैं देखो लिखा हुआ है क्लिक टू एड नोट्स तो यहाँ पे आप नोट्स को भी एड कर पाओगे नाउ नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू यदि थर्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपको सारी स्लाइड्स थंबनेल के फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड दिख रही हैं राइट right, आप देखो वन बाय वन जितनी भी स्लाइड्स हमने क्रिएट की हैं वो सभी स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल व्यू में एक थंबनेल के फॉर्मेट में दिख रही है तो यहाँ से बेसिकली स्लाइड शॉर्टर व्यू से आप ना स्लाइड में इजीली चेंज कर सकते हो जो कॉमन चेंजेस आपको सभी स्लाइड में करने हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सपोज आपको हेडर फुटर ऐड करना है स्लाइड नंबर बदलना है स्लाइड को आपको यहाँ से ड्रैग करके चेंज करना है तो बेसिकली आप ये यह काम यहाँ से कर सकते हो राइट right? जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि ऑल कोर्सेज वाली जो स्लाइड है हमारी सेकंड नंबर पर आनी चाहिए सो so, हमने ये काम बहुत इजी वे में स्लाइड शॉर्टर व्यू में कर लिया ओके सो स्लाइड्स ऑर्डर व्यू आपको अच्छे से समझ में आया इस पर्टिकुलर व्यू में आप स्लाइड्स में कॉमनली यदि चेंजेस करने हैं आपको सभी स्लाइड्स में तो वो इजी वे में कर सकते हो या स्लाइड्स को आप ड्रैग ड्रॉप करके भी चेंज कर सकते हो

स्लाइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो जैसे ऑल कोर्सेज में मैं इंक्लूड करती हूँ यहाँ पर ऑल क्लासेस लाइक फर्स्ट टू ट्वेल्थ एंटर सेकेंड पॉइंट सपोज मैं ऐड करती पर ऑल स्ट्रीम्स आर अवेलेबल आइदर साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा ओके okay? सो so, इस तरीके से आप कुछ नोट्स को ऐड करवा सकते हो किसी भी स्लाइड से रिलेटेड सो दिस इज अबाउट दी नोट्स पेज व्यू सो आपको अच्छे से समझ में आ गया ये व्यू क्यों हेल्पफुल है राइट right? इसी के साथ रीडिंग व्यू देख लेते हैं सो जैसे ही रीडिंग व्यू पे आप क्लिक करते हो सो so आपके सामने जो स्लाइड्स हैं वो एक तरीके से स्लाइड शो के फॉर्मेट में विजिबल होती है देखो जो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड थी जिस पर हम काम कर रहे थे बेसिकली वो स्लाइड आपके इस तरीके से स्लाइड शो के फॉर्मेट में विजिबल हुई है अब यहाँ पे रीडिंग व्यू में और स्लाइड शो व्यू में डिफरेंस क्या है बेसिकली so यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि रीडिंग व्यू में आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्लाइड में उसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो लेकिन रीडिंग व्यू में आपको दो चीजें और यहाँ पे शो होती हैं स्लाइड के साथ साथ एकदम टॉप पर आप टाइटल बार विजिबल होती है जहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंटेशन का नाम कंट्रोल बॉक्स दिखता है और एकदम बॉटम में स्टेटस बार भी विजिबल होती है कि आप फिलहाल किस करंट स्लाइड पे काम कर रहे हो यदि स्लाइड आपको बदलना है तो आप स्लाइड भी बदल सकते हो किसी डिफरेंट व्यू में यदि आपको स्लाइड को ओपन करना है तो आप यहाँ से डिफरेंट व्यूज में भी स्लाइड को ओपन कर सकते हो राइट सो स्टेटस बार और टाइटल बार भी रीडिंग व्यू में आपको शो होता है

रीडिंग व्यू से बाहर आ जाओगे राइट right? सो so, ये फाइव व्यूज होता है नॉर्मल व्यू इस तरीके से शो होता है आउटलाइन व्यू में जो थमनेल्स के फॉर्मेट में आपको स्लाइड्स दिख रही थी लेफ्ट साइड में अब वो इस तरीके से दिखती है स्लाइड सॉर्टर व्यू जिसमें स्लाइड्स आपको हॉरिजॉन्टली थंबनेल्स के फॉर्मेट में अरेंज्ड दिखती है नोट्स पेज व्यू जिसमें आप स्लाइड के साथ नोट्स को ऐड कर सकते हो रीडिंग व्यू में एक स्लाइड शो के फॉर्मेट में आपको डिफरेंट स्लाइड्स विजिबल होती है रीडिंग व्यू से बाहर आना होता है तो हम एस्केप की का यूज कर लेते हैं बिल्कुल वैसे जैसे आप स्लाइड शो व्यू से बाहर आते हैं सो सपोज आई क्लिक ऑन नॉर्मल व्यू जो जिसमें आप नॉर्मली वर्क करते हो सो so यदि आपको यहाँ पे कंटेंट को फॉर्मेट करना है स्लाइड के तो आप कंटेंट को फॉर्मेट भी कर सकते हो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल होम टैब में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके है ना उसके लिए आपको उस प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिसे आपको फॉर्मेट करना है तो प्लेस होल्डर में ऑल कोर्स सिलेक्ट कर लिया यदि आपको फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना है बोल्ड रिटालिक अंडरलाइन करना है तो सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होते हैं फॉन्ट साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो राइट right. साथ ही आप फॉन्ट कलर भी बदल सकते हो जो भी कलर का आपको फॉन्ट रखना है वो चेंज कर सकते हो यदि आपको फॉन्ट्स को या कंटेंट्स को अलाइन करना है तो आप लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन भी कर सकते हो बुलेट्स नंबरिंग आप ऐड कर सकते हो बुलेट्स नंबरिंग के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं सपोज मैंने इस प्लेस होल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और अब इन दोनों पॉइंट्स को मुझे नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेट करना है तो पैराग्राफ ग्रुप से मैंने नंबरिंग पे आया और जो भी नंबरिंग का स्टाइल आपको यहाँ अच्छा लग रहा है आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो सपोज मुझे ए बी सी के फॉर्मेट में अल्फाबेटिकली नंबर्ड करना है तो आप देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बुलेट्स नंबरिंग का यूज कर लिया

आपको ना सिर्फ YouTube प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है बल्कि आप मैग्निट्री वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो और साथ ही अब आप यहां पर सीबीएसई मीडियम स्पोकन इंग्लिश यूपी बिहार बोर्ड एंड इवन एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन यदि आप यहाँ पे बुक्स ई बुक्स या फिर ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए बनाएगा